हेयरबैंड डाल रही है। हेयरबैंड नीचे बैठ के नहीं डाल सकती ना, इसलिए मोड़े में बैठ के डाल रहे हैं। पहले लिपोए क्या लिपोए गेरुवेल लिपो फिर वो कमेटे ने पढ़ लगा रहे। पहाड़ में ना ऐसे डलते हैं अपन इस तरीके से। कोई भी शुभ कार्य होता है अपन डलते हैं, तो पूजा है दीदी के घर में इसलिए अपन डल रहे हैं। जाने रहे ऊपर? कहाँ जा रहे हो? क्या है ऊपर? ठीक है जाओ, शैतानी नहीं करना दोनों घर में, शैतानी मत करना राजा। हम तो उत्तराखंड के होने के बावजूद मैं तो पहली बार आई इस जगह पे, घूमने फर्स्ट टाइम आई हूँ। आज तो पहली बार वीडियो में आ रहा है, माय गॉड पता नहीं क्या है। अपने उत्तराखंड में आके तो सभी दोस्तों को शिला बनकर प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम आए हैं रानीबाग में, हल्द्वानी से थोड़ी सी आगे बढ़कर रानीबाग। तो मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज आप सभी लोगों को थोड़ी डिफरेंस भी दिखाई जाए। तो ये देखिए पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, पानी के पास जाने में डर तो लगता ही लगता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक दो फोटो तो खींच ही लें, अब आए हैं घूमने तो फोटो तो बनती हैं। और बंदरों का आतंक खूब ही ज्यादा हो रहा है यहाँ पर। बंदर को देखो कैसे सोच रहे खाने का, केला था ना, केला ले गया। पार्थ आज पहली बार उसकी मैं छुपके से वीडियो बना रही हूँ। भगवान कहाँ जा रहा है पत्थरों में। इतना ज्यादा पानी है यहाँ पर, इतना ज्यादा माई गॉड, ये तो ज्यादा ज्यादा होते जा रहा है। अब तो हम जा रहे हैं नीचे, साथ में आए हैं सार्थक और पार्थ, और अभी हम जाने वाले हैं ऊपर साइड को। इस साइड का तो पानी पूरा सूख चुका है, इस साइड में तो पानी नहीं है। यहाँ तक पर पानी आया था इस साइड तक, पर अभी धीरे धीरे पानी यहाँ का जो है कम हो चुका है। अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है मैं आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक दो अच्छी अच्छी सी यहाँ पर आके खूबसूरत सी वीडियो बनाई लेते हैं। तो ये आए हैं केतन और पीछे हैं जी जी दीदी जिया जी,
दीदी तो नीचे है और हम लोग हैं ऊपर। तो गाइस अभी हम नीचे साइड जाते हैं, आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं, ठीक है। वीडियो बनाई, रील बनाई, उसके बाद क्या हो, उसके बाद जो मैं है ना अपना पर्स पीछे छोड़ के आई, फिर मैं दौड़ दौड़ के मैंने सबसे बोला कि रुक जाओ मैं अपना पर्स जल्दी से लेके आया, तो फिर मैं भागी और अपना पर्स लेके आई वहाँ से पीछे से। तो गाइज आते आते मैंने सोचा नीचे साइड दीदी दिख रही थी तो हमें उन्हें आवाज लगा रहे थे, ऊपर ऊपर से ना कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि नदी की आवाज़ें इतनी ज़्यादा तेज आ रही थी, तभी दीदी और मम्मी से मिलाते। उत्तराखंड देवभूमि में आके आता तो बड़ा ही मज़ा है, वो बात तो बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड तो है ही इतना अच्छा, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो काफ़ी लोग ना आजकल उत्तराखंड आने में डर रहे हैं क्योंकि वो कहीं कहीं पे पहाड़ ना ऐसे गिर जा रहे हैं, पर हल्द्वानी में ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए, एक से बढ़कर एक चीज़ें। आज तो हम रानी झील आए हैं, रानी धारा। जिया जी कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? तो हम आए हैं रानी बाग में। रानी बाग में आके भी एक से एक बढ़कर चीज़ें देखी, पर हमारे पास टाइम था नहीं क्योंकि बारिश, अचानक बारिश का मौसम बन गया था, इसलिए हम फिर फटाफट से थोड़ी बहुत हमने वीडियो बनाई, फिर उसके बाद हम घर जाने की तैयारी करने लगे क्योंकि दीदी लोग वेट कर रहे थे। बैठने के लिए यहाँ पर इतना अच्छा बना रखा है ना, और साथ में पेड़ पौधे भी लगाए हैं, झूले इतना बढ़िया बनाए हैं यहाँ पे, वाह ये देखिए बहुत सुंदर मौसम हो रहा है यहाँ पर। गर्मी तो है पर इतनी भी नहीं है, काफ़ी अच्छा बनाया देखिए बैठने के लिए। पाम के पेड़ तो आह गजब ही हो रहे हैं यहाँ तो भी। आगे नीचे है ना जो बहुत बड़ी नदी है जहाँ हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं, ये देखिए आज तो हम आए हैं रानी बाग। रानी बाग में इतने अच्छे अच्छे यहाँ पर चीज़ें है ना, अच्छा इतनी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जिया जी लोग बैठे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं, और गर्वित को लाने का भी था पर यहाँ पर ना नदी है बहुत बड़ी, तो हमने सोचा इसलिए बच्चों को यहाँ पर लाते नहीं है, पता नहीं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए हम लाए नहीं, और थोड़ी बहुत काम था कुछ इस कारण से हम आए थे। तो फिर आए हैं तो हमने सोचा क्यों ना अपने मोबाइल में ये सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो मैं भी आप सभी लोगों को आगे का व्यू दिखाती हूँ, बड़ा ही खूबसूरत है। तो गाइस आए हैं अभी घूमने के लिए, सुबह बिल्कुल टाइम से आ गए थे हम क्योंकि सुबह सुबह का मौसम आप सभी लोगों को पता ही है बहुत अच्छा होता है, उसके बाद तो जाने का भी होता नहीं, कहीं आज शनिवार था तो हमें किसी के वहाँ जाना था नहीं, वैसे तो हमारे एक दो रिलेटिव हैं यहाँ पर तो वहाँ जाने का सोचा था पर शनिवार होने के कारण गए नहीं। तो यहाँ देखिए नीचे नदी, माय गॉड इतनी तेज़ बह रही है मैं क्या ही बताऊँ। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, बड़ा ही इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है मैं आप सभी लोगों को क्या बताऊँ। जो मेरे साथ के लोग थे वो तो दौड़ दौड़ के आगे को ही चले गए हैं, तो मैं भी अभी जा रही हूँ भागते हुए क्योंकि मैं तो छोटी छोटी अपने मोबाइल में चीज़ें कैद कर लेती हूँ। तो मम्मी लोगों के वहाँ आए हैं तो इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, और ये झूला माय गॉड इतना पतला है और बड़ा ही अच्छा है, तो यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। पार्थ कैसा लग रहा है? वो गर्वित भी आता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है, पर गर्वित को ना हम ला नहीं पाए, इसलिए नहीं लाए क्योंकि बारिश तो जाना, फिर हमें ये नहीं पता था कि हम कैसी जगह पर जा रहे हैं, इसलिए हम उसको लाए नहीं। तो जिया जी लोग तो बिल्कुल आगे पहुँच गए हैं क्योंकि जिया जी लोगों के घर में अभी थोड़ी पूजा पाठ भी होने वाली है, तो इसलिए हम पहले हमने कहा थोड़ी घुमाते हैं, और दीदी को थोड़ी काम था मंदिर में तो हम जा नहीं सकते थे, इसलिए हमने कहा हम तो इधर थोड़ी घूम के आ जाते हैं। तो गाइस जब जा रहे हैं नीचे आप सभी लोगों से नीचे जाकर मिलते हैं। बाय बाय। अंदर को देखो कैसे सोच रहे हैं खाने का, केला था ना केला ले गया। तो गाइस आ गए घूम घाम के, पहले पीता गर्मा गर्म चाय, उसके बाद गीता बनाने वाली है कढ़ी और चावल, फिर खाना खाते हैं। जल्दी खाना कौन खाता है, कंपटीशन चल रहा है। खा ले खा ले खा ले जल्दी खा ले।
कौन है छोटा बेबी? रुद्र? दीदी के घर में कल पूजा है तो मम्मी ने कहा कि मैं डेली लीप के मठ, एक मिट्टी होती है पहाड़ में, उस मिट्टी से लीप के उसके कम बाद फिर उसे कमेट से अपन डाले जाते हैं। हमारे पहाड़ों में पेंट जो है अब चला हुआ है, पर पहले से जो अपन है ना इसी तरीके से डालते थे। इसको अपन बोलते हैं जो डेली पे करते हैं। आजकल तो बहुत इजी हो गया, स्टिकर मार्केट से लो या चिपका दो या पेंट का बनाओ उस तरह से, पर पहले से ना इस तरीके से बनते थे अपन से, है ना मम्मी? और मम्मी के कमर में दर्द है और मैं तो अपन डाल नहीं सकती हूँ, मतलब इस साल हम डाल नहीं सकते क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई है ना, तो इसलिए मम्मी डाल रही है अपन। और दीदी घर में कुछ काम हम कर रही होगी, उसके पास टाइम नहीं था, मम्मी ने कहा सब उनका होता है तो मैं डाल देती हूँ। तो गई घर में बड़े बुजुर्गों के होने से ना बड़ा ही अच्छा रहता है। कुछ कुछ चीजें जो हम लोगों को नहीं पता होती है वो सारे मम्मी लोग हमें बताते हैं, सिखाते हैं, तो काफी अच्छा लगता है। ये कमेट जो है मम्मी यहाँ से नहीं, ये गंगोली घाट जहाँ हमारा मायका है ना घर के नागर, घर से लेके आई है। तो गाइस देखिए मम्मी ने कितने अच्छे यहाँ पर एपन डाल दिया। घर में सोना होना चाहिए बुजुर्ग लोग को, मन तो नहीं होता नहीं तो कशा पहले बता घर में कोई काम हो तो मैं पानी नहीं सुनूंगी। अब ऐ पानी एक आने हो ये द्वार घर आने का, एक बिंदी है ना ये लास्ट होने दे द्वार घर, ये द्वार तो ये तो पानी में द्वार घर बाल और सब निकल गए चलो। तो जल्दी तो बढ़िया पढ़ लेने में जो हम करने होता था बड़ी डाल जाने में भला डाल जाने में भला लेकिन दे भला भला है। माँ बाप को कितनी भी परेशानी हो कुछ भी में हंसते रहना होता है। आपका तो कड्डे में जा रहे हैं कोई कड्डे में चलने का ना कचान नुकसान भी हो कष्ट जी है जी। अरे इसने उतारा ना उसको, ये है ना कपड़े से तो नहीं धोती पहनते तो हुआ किस चीज का नुकसान आपको? बेल्ट का। ओ जा मेरी बेल्ट जो है इसने वो क्यों धो रही है? अरे इतने 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 कपड़े धोए अब इसके कमर में दर्द नहीं होगा, किसके होगा? मशीन में धोए है ना बेल्ट मशीन। अरे तो एक दिन मैंने कहा एक दिन दो दो करके धो, एक ही दिन भट्टी लगाई। नहीं तो आप कह रहे नुकसान हो गया, मैंने तो सोची डबल हबल तो नहीं रह गया कभी। बेल्ट खो गई है, जो जींस में बेल्ट थी वो खो गई। तो उसी कमरे में थी वो, केतन ने कहीं रखी होगी वहाँ किसी ने। मैंने कहीं देखी थी लेकिन मेरे दिमाग की चौंधी हिल गई। वो तो चवन्नी ये भी हिलो रहे, तू तो क्या भी हिलो रहे। कौन धोएगा कपड़े? नहीं धोऊंगी तो वैसे रहने दो। पीला रुमाल है, पीला रुमाल ये छोटा है इस साइज, इसको रखो फिर नमूने के लिए बाजार जाऊं मैं लाऊंगा। बड़ा साइज का है ना, हो गया ये भी मिल गया है, ये तो कह रही थी पैजामा। जल्दी खाना कौन खाता है, कंपटीशन चल रहा है। खा ले खा ले खा ले जल्दी खा ले। ये मेरे मम्मी वो राम नानी के पास, मेरा राम नानी मेरा फोन लेके चली गई। नानी को जा मिल ले चाय लेके आ व्यांश, वो क्या है रुद्र ताई के वहां से। इजल को मुँह चाहने पीनो, मैं इनको मैं दे दे तले। तो यस गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली की ब्लॉग डालते हैं आप सब लोगों को पसंद आते होंगे, पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पूजा पाठ हो गई, पूजा पाठ होने के बाद अब आ रही है खाने की बारी, खाना बन रहा है, खाना खा रहे हैं सब लोग। जिसके घर में प्रोग्राम होता है वो तो काम ही करता है, तो चंद्रा दीदी लगी है काम में और भाभी जी भी खा रही है आराम से। सावधान होके जागृति अपना खाना ले रही है। किसको? किस गद्दा फाड़ गद्दा को अच्छे से मार देंगे मतलब।